कलेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार कीजिए। अरे विनोद कुमार जी, आपसे वाला क्या जुर्म हो सकता है? मैं कोई फरिश्ता नहीं, और जुर्म इंसान से ही होता है। लेकिन आपने जुर्म क्या किया है? मैंने अपनी बीवी का खून कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कीजिए। विनोद कुमार जी, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने सचमुच अपनी बीवी को जान से मार दिया है। प्लीज परफॉर्म योर ड्यूटी एंड अरेस्ट मी। क्या सबूत है कि आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है? सबूत? आइए मेरे साथ। मिस्टर परेरा, यस, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूं, जरा ख्याल रखिएगा। ओके सर। आइए मिस्टर विनोद। आइए इंस्पेक्टर साहब। यही वो बात है। एक मिनट मिस्टर विनोद, ये तस्वीर किसकी है? मेरी बीवी की, जिसको मैंने खत्म कर दिया। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? यही है वो बाथरूम जिसमें मैंने अपने लाइफ पार्टनर को कला घोट कर अपनी जिंदगी से उसकी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है। आइए इंस्पेक्टर साहब। यही है वो कार जिसमें मैंने उसकी लाश को ढोकर सबसे ऊंची पहाड़ी से समुद्र की अथाह गहराइयों में फेंक दिया है। आई सी। मैं वो जगह देखना चाहूंगा जहां आपने अपनी बीवी की लाश को फेंका था। चलिए। ओके। मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां मैंने अपनी बीबी की लाश को फेंका। चलिए। यही वो जगह है जहां से मैंने अपनी पत्नी की लाश को समुद्र की अथाह गहराइयों में फेंक दिया। समझ गए। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। मिस्टर विनोद, ये कपड़े का टुकड़ा कैसा है? शायद ये उसी साड़ी का टुकड़ा है जो उस वक्त मेरी बीवी ने पहन रखा था। और हो सकता है लाश निकालते वक्त ये फंस गया हो। ऐसी विनोद कुमार जी, आपसे कुछ पत्रकार मिलना चाहते हैं। हेलो, मैं मिस ऋचा शर्मा हूँ और ये है मिस्टर संजय मिश्रा। हेलो। हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं और अभी हम आपकी पत्नी की कत्ल के सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए जी। आपके ज्यादातर उपन्यास औरत पे जुल्म और उस पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ एक आवाज मानी जाती है। आप मेरी पत्नी के कत्ल के बारे में कुछ पूछ रहे थे। इतने महान लेखक होने के बाद एक कातिल कैसे बन गए? जी, हमारा मतलब ये है कि जो कलम आज तक औरत की महानता के बारे में लिखा करती थी, उसने अचानक तलवार बनकर किसी एक औरत का खून कैसे कर दिया? औरत एक पवित्र शब्द है। मैं बचपन से इस शब्द की इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने भी किसी औरत की कोख से जन्म लिया है। मैं इस पवित्र शब्द को पूजा के लायक समझता था।
मैं समझता था कि औरत जन्म से वैश्या नहीं होती, यह हमारे समाज का कोई वैश्य हिस्सा है जो औरत के नाम पर वैश्या के नाम की मोहर लगाकर उसकी पवित्रता को समाज में बेचता है। मगर यह मेरे विश्वास का केवल एक रूप था। दूसरा रूप तब सामने आया जब मैं तुम लड़की? वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तो फिर पूछते क्यों हो? तुम गाड़ी के अंदर कैसे आई? दरवाजा खोलकर। ओ शिट! अरे अब तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हारे साथ तुम्हारा घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो। ठहरो, अभी लेकर चलता हूँ साथ, अभी बताता हूँ। ए लड़की, चलो बाहर निकलो। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, जल्दी बाहर निकलो, दफा हो। मुझे नींद आ रही है। चलो अपना रास्ता देखो, नाटक बंद, रास्ता देखो। मेरा रास्ता तो तुम्हारे घर की तरफ जाता है। अजीब मुसीबत है, ये तो खामखां गले पड़ गई। बेटे विनोद, नॉवेल का सीन लिखते लिखते आज तो खुद सीन बन गया है। अब खैरियत इसी में है कि चुपचाप घर ले चल। क्या सोच रहे हो, जल्दी ले चलो ना। ले चल भैया, नहीं तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इस घर में तुम अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। क्यों? और तुम्हारी बीवी बच्चे? मैंने अब तक शादी ही नहीं की। फिर किसी लड़की ने तुम्हें मोहब्बत में जरूर धोखा दिया होगा। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है, मैंने आज तक मोहब्बत ही नहीं की। मोहब्बत नहीं की? फिर जीते कैसे हो? क्यों, जीने के लिए जरूरी है कि मोहब्बत की जाए? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। मोहब्बत के बगैर दिन गुजारे जा सकते हैं, जिंदगी नहीं। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी से कुछ लेना देना नहीं। देखो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ देखो, घर आए दुश्मन को भी इज्जत देते हैं, और मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, फिर मुझे क्यों भगा रहे हो? तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तो तुम्हें पूरी तरह समझ गई हूँ, पर तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो। आज की रात मुझे अपने घर में रख लो, कल सुबह मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बहुत से कमरे, किसी कमरे में जाकर सो जाओ। सीधे कितने भोले, कितने ठंडे हो तुम। एक लड़की अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहती है और तुम उसे दूर भगा रहे हो। हम्म,
मैडम, तुम यहाँ क्यों आई हो? सोने? सोने? बाहर जाकर सो, और भी बेडरूम है बाहर। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे मालूम है तुम कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन अगर तुम यहाँ सोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हें नींद नहीं आएगी? मैं कोई नींद ना आने की गोली थोड़ी ना हूँ। आओ, पहले मैं तुम्हारी पीठ थपथपाकर तुम्हें प्यार से लोरी सुना के सुला देती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। सीधी तरह बाहर जाती हो या नहीं, या उठाकर फेंक दूं? प्रॉमिस? फेंक दो। अभी फेंकता हूँ। तुम भी क्या याद करोगी, किसी विनोद कुमार से पाला पड़ा था। सी मिस्टर पांडे, मैं अंडर प्रेशर काम नहीं करता। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट यार। हाँ, देख यार, एक दो दिन से वैसे ही मेरी तबीयत खराब चल रही है, फिर भी मैं डे एंड नाइट आप ही का काम कर रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दिस इज माई ड्यूटी। आपका नॉवल डिले नहीं होगा, बिलीव मी। ओके, बाय। हेलो, डॉक्टर कपूर। हाय, अमा कैसे हो यार, बहुत दिनों से इधर आना नहीं हुआ। हाँ, इधर मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है यार, तीन चार दिन से बस बहुत खराब। प्लीज इधर आ रहे हो ना, हमारा डिस्पेंसरी छोड़ो यार, बाद में खोल लेना। कमिंग। ओके। शराब के नशे में मुझसे जो भूल हो गई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लड़की होकर शराब पीती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म? शर्म, हया, एहसास, ये सब चीजें तो मेरे अंदर से बहुत पहले निकाल कर फेंक दी गई है। इसके बदले जमाने ने मेरे अंदर जलन, चुभन और घुटन से भर दिया है साहब, जिसे कम करने के लिए मैं शराब पीती हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, शराब की हर घूंट के साथ तुम अपनी जिंदगी कई हजार सांसें पी जाती हो। मुझे पता है साहब। फिर भी पीती हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जो 13 साल की उम्र से लेकर आज तक हर रोज, हर पल, हर घड़ी मर मर कर जिया हो, उसके लिए मौत क्या मायने रखती है? अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनो, क्या अपना नाम नहीं बताओगी? बहुत से नाम है मेरे, लेकिन ये सारे नाम मुझे दुनिया वालों ने दिए हैं। मेरा अपना कोई नाम नहीं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। तुम रहती कहाँ हो? मेरी हर रात एक नए कमरे में, एक नए बिस्तर पर, एक नए मर्द के साथ गुजरती है, क्योंकि क्योंकि मैं एक ऑल गर्ल हूं। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। इट्स अ बैड मॉर्निंग यार। बट हाउ आर यू? अगर अच्छा होता तो तुझे यहाँ क्यों बुलाता? छोड़, पहले ये बता, तूने एक हफ्ते से मुझे फोन क्यों नहीं किया? साले, जब से तेरी शादी हुई ना, तू बदल गया। बदल नहीं गया हूँ यार, शादी के बाद इंसान की वैसे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी या ड्यूटी? तू नहीं सुधरेगा यार, इतना बड़ा राइटर हो गया है लेकिन अभी भी बात बच्चों जैसी करता है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद देख लूंगा तुझे। अच्छा, अब लेट जा। जरा जोर से सांस ले, छोड़, तुझे तो अंदर अंदर बुखार है, तू अब से कंप्लीट बेड रेस्ट ले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
दवाइयां मैं डिस्पेंसरी से भेज देता हूँ, समझा? कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। ओके। अच्छा विनोद, मैं चलता हूँ। मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? बैठो। ये दवाइयां डॉक्टर साहब ने दी है, घर में नौकर नहीं है? घर का काम मैं खुद ही करता हूँ। आप दवाई पी लीजिए। मेरे ख्याल से आपको नीचे हॉल में चलकर बैठ जाना चाहिए, आपकी तबीयत फैल जाएगी। ठीक है, चलो। ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। इस लोकेशन में नया क्रिएटर, रेगिस्तान में फूल। करेक्ट। भाभी नमस्ते। भाभी जी, मेरा नाम चैन है। बेचैन? मेरा मतलब है, मेरा नाम बेचैन है। आना, आप दोनों विनोद कुमार जी के चीफ असिस्टेंट हैं। अरे सर, आपने शादी कर ली और खबर तक नहीं दी, मुबारक हो। व्हाट अ सरप्राइज सर, क्या बताऊं। भीतर आने से पूर्व मेरे दिमाग की खोली में एक नया सुपर डुपर आईडिया आया था, मैं आपको बताने ही वाला था। लेकिन क्या करूं, भाभी जी की खूबसूरती का ऐसा इम्पैक्ट हुआ है, वो आइडिया मेरे दिमाग के चबूतरे से पंख पखेरू हो गए। अरे सर, भाभी जान को देख के मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, ग्रेट आइडिया सर। एक राइटर जिसे 11 साल तक कोई इंप्रेस नहीं कर सका, एक लड़की मिली, 2 सेकंड में इंप्रेस किया और 2 दिन में शादी। अरे सर सोचिए, उस लड़की में क्या जादू होगा जिसने उस राइटर के पत्थर दिल को मोम की तरह पिघलाकर अपने दिल के शीशे में कैद कर दिया। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे सर, फिर भी बुरी नहीं है सर। ब्यूटीफुल लक्ष्मी। सॉरी सर, मैंने तुम दोनों को स्क्रिप्ट दी थी लिखने की, उसकी कॉपी हुई कि नहीं हुई? सर बड़ी मुश्किल से अभी आधी लिखी। हाँ सर, आधी दिन का दिन में पढ़ देंगे, मतलब लिख लेंगे, लिख लेंगे सर। जल्दी कॉपी कीजिए उसकी, पब्लिशर के बार बार फोन आ रहे हैं। जी जी, चले सर। सॉरी सर, एक नए कमरे में, एक नए बिस्तर पर, एक नए मर्द के साथ गुजरती है, क्योंकि मैं एक कॉल गर्ल हूँ, क्योंकि मैं एक कॉल गर्ल हूँ, क्योंकि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। क्या सोच रही हो, तुम्हें तो मर्दा से नफरत थी, अचानक उस आदमी के लिए तेरे दिल में हमदर्दी क्यों पैदा हो गई? वो आदमी नहीं बल्कि एक इंसान है। मैं आज तक जितने भी मर्दों के साथ सोई, सब लोगों ने मुझे नंगा देखना पसंद किया। उन सभी ने मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरे जिस्म का सौदा किया, मगर ये पहला आदमी है जिसके साथ मैं रात भर सोई और सुबह उठी तो वैसे की वैसे थी जैसे रात में थी। ना मेरे बाल बिखरे हुए और ना ही मेरे कपड़े उतारे गए थे। माना कि वो इंसान है, लेकिन उसकी नजर में तू क्या है? उसकी नजर में तू सिर्फ एक कॉल गर्ल है, एक वेश्या है। अगर तू उसका दिल जीतना चाहती है तो ये ऐसा सपना होगा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। सुनो, तू अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, अपनी मर्जी से जा रही हो, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है?
लेकिन जाने से पहले इतना तो बताती जाओ, तुम यहाँ आई किस लिए थी? आपका सवाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन हर सवाल का जवाब होता है। दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ हमदर्दी से ला गई हूँ, लेकिन बहुत सोचने के बाद न जाने क्यों मेरे दिल में आपके लिए एक हमदर्दी का एहसास उभरा है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि जिसकी जिंदगी खुद दर्द में डूबी हुई हो वो दूसरे की जिंदगी में क्या बात सकेगी। तुम्हारा सोचना गलत है। दूसरे का दुख दर्द वही बांट सकते हैं जिनकी अपनी जिंदगी खुद दर्द में डूबी हुई हो। जिसने कभी दुख दर्द देखा ही ना हो वो दूसरे का दर्द क्या बांटेगा। लेकिन आप जानते हैं कि मैं जानता हूं कि दो वक्त की रोटी के लिए तुम अपना जिस्म बेचती हो, लेकिन हमदर्दी का लगाव तो दिल से होता है। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है, क्या तब भी तुम चली जाओगी? आप खाना खा लीजिए। विनोद साहब, विनोद साहब जल्दी से उठ जाइए, सुबह हो गई है। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब थोड़ी ठीक है। मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप चलकर नहा लीजिए। तो नाश्ता बड़ी जल्दी तैयार कर दिया। हाँ। अब इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए आप जल्दी से खा लीजिए। ओह, आई एम सॉरी, तुम भी खाओ ना। मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। क्यों बाद में? क्यों अभी खाओ ना। मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए तो सही। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह शर्माती हो। चलो मैं खिलाता हूं। चाय। सुनो जी, क्या कर रही थी? किचन में खाना बना रही थी। चेहरे पे आटा लग जाने से आटे की कीमत बढ़ गई। सच मानो बहुत खूबसूरत लग रही। अब आप ये मत कहिएगा कि पाउडर के जगह आटे का इस्तेमाल किया करो। उठिए दवा खा लीजिए। तुम पास होती तो अच्छा लगता है, मुझे नींद आ जाए तो चली जाना।
सुबह हो गई है। अरे भाई उठो, तुम्हारे नहाने का पानी भी लगा दिया मैंने। मुझे ऐसा लगता है रात भर तुम सोई नहीं। मेरा हाथ आपके हाथ में था। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा था। दिमाग ने बहुत कहा छुड़ा लो, मगर दिल ने ऐसे करने की इजाजत नहीं दी। अगर इजाजत हो तो यह हाथ उम्र भर के लिए थाम लो। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। 2-3 घंटों के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। 4-5 दिन लगातार घर में रहते हुए उकताहट सी होने लगी। शाम को घूमने चलेंगे। हाँ? जगह बनाकर रखी है उसे लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं। आपके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फासला है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने मुझ जैसी लड़की को घर के मंदिर में सजाकर बिठा दिया क्योंकि आपका ये इज्जतदार समाज आपको चैन से जीने नहीं देगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप बर्बाद हो, इसीलिए मैं जा रही हूं। विनोद साहब, आपका दिया हुआ तोहफा, आपका प्यार अपने साथ लिए जा रही हूं, जिसकी खुशबू मरते दम तक मेरी सांसों में बसी रहेगी। हेलो, सुनिए, कब से चिल्ला रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अरे भाई अभी तक तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। मिस बेनाम, प्लीज बाहर आ जाइए वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। तुम्हें जाना ही था तो बोलकर चली जाती, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता। Thank you.
किचन में क्या कर रहे थे? सर बात यह है, मुझे जरा चाय की तलब लगी। हाँ, तो नौकरानी को बुला रहे थे कि थोड़ी सी चाय बना दे। वो चली गई। है चली गई? भाग गई? हम उसको मारने को नहीं भागी? नहीं, वो ऐसी चीज लेकर गई है जिसके लिए किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता और न पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ। ये नौकरानियों में सर ऐसा ही होता है, तीन दिन के लिए आती और तीन साल का चाय लेकर चली जाती। सर ये वो जो आपने कॉपी करने को कहा था वो सर वर्मा जी ने ये कार्ड दिया है, आज उनके यहाँ पार्टी है। चल चल जल्दी चल, हम भी पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। सुनो जी, तुम अपनी नई नॉवल सीमा रेखा की स्क्रिप्ट तैयार करो। जी सर, गई और आज रात की पार्टी भी। चल कुछ निकल रही है।
चाहेंगे तुम्हें को आप ही के हो गए हम कुछ गुमाए आपको आपकी हर एक अदा से दिल पे छुरी चल रही है आपकी हर एक अदा से दिल पे छुरी चल रही है प्यार के इस खेल में अपनी तो जान निकल रही है प्यार के इस खेल में अपनी तो जान निकल रही है आपके रहमो करम पर अब हम जी पाएंगे आपने जो ना सुना तो हम सनम मर जाएंगे आपके ही नाम से मेरी ये सांस चल रही है प्यार के इस खेल में अपनी तो जान निकल रही है प्यार के इस खेल में अपनी तो जान निकल रही है खता निगाहों की है और सजा दिल को मिल रही है प्यार के इस खेल में अपनी तो जान निकल रही है प्यार के इस खेल में अपनी मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मुमकिन है कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली लड़की को मेरा चेहरा भी याद ना हो तुम्हारी आंखों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है लेकिन आंखें अक्सर धोखा खा जाया करती हैं घर जाकर अपने दिल को टटोलना अगर दिल के किसी कोने में मैं नजर आ जाऊं तो एक बार जरूर मुझसे मिल लेना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं थी नहीं मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की नहीं फिर तुम मुझे बताए बगैर मुंह छुपाकर भाग क्यों गई तुम मुझे बोलकर भी तो जा सकती थी मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता था और फिर तुम्हें रोकने का मुझे हक भी नहीं लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि इंसान की फितरत तो बदली जा सकती है आदत नहीं और अगर हर रात एक नए मर्द के साथ गुजारना तुम्हारी आदत बन गई है तो उसे कोई नहीं बदल सकता कम से कम आप तो वो गाली मत दीजिए जो दुनिया वाले देते हैं इस घर को छोड़ने से पहले मैं अपने आप से बहुत लड़ी और इस लड़ाई में मेरा जमीर मेरी आत्मा जीत गई और इसी हार ने मुझे ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया फिर मैं यहाँ किस अधिकार से रहती अपनी ख्वाहिश की गंदगी को अधिकार के बहाने छुपाने की कोशिश मत करो मैंने तुम्हें वो अधिकार देने का वादा किया था वादा सिर्फ आपने किया था लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं वह समाज मुझ जैसे औरत को कभी कबूल नहीं करता अगर ये वादा आपके उस समाज ने किया होता तो मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाती
विनोद साहब, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप समाज से मजबूर हो जाएंगे। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं एक राइटर हूँ। आदर्श, उसूल, जज्बात और समाज के रस्म रिवाज को जन्म देता हूँ। मुझे समाज के उसूलों का डर नहीं। मैं तो तुम्हें एक औरत बल्कि एक बीवी का हक देकर एक नए इतिहास की शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो। देखो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि गुजरे हुए दिनों के सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें बीते हुए दिनों की याद भी नहीं आएगी। मैं तुम्हें अपने दिल के मंदिर में सजाकर अपनी पूजा बनाऊंगा। पूजा। तस्वीर बन गई, तुमने मुझसे मेरी तस्वीर बन गई। खिल गए फूल कभी आ गई है बहार, मिट गई जब दूरियां, दिल है क्यों बेकरार। मुझको तुम मिल गए, जिंदगी मिल गई, हर खुशी मिल गई। जो भी है मेरा तेरी जागीर बन गई। आजा मेरी बाह में दुनिया को छोड़ के, घर जो तेरी मांग में तारों को तोड़ के। ज़ुल्फ़ तेरी प्यार की जंजीर बन गई, तूने मुझसे मेरी तकदीर बन गई। अब तो मन्ना प्यार की तकदीर बन गई, तूने मुझसे मेरी तकदीर बन गई।
पूजा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? प्यासे को समुद्र देकर आप फिर भी पूछे कि वह प्यासा है? पूजा, आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे, इस चेहरे पर उदासी नहीं आएगी, इन होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। ये शादी करके तुमने ये साबित कर दिया कि देखो किरदार निभाने सुबह खाने में जो लाल बन भी जाते हैं, शादी बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपको। मुबारक हो विनोद कुमार जी, मुबारक हो भैया। अरे बुक्के उक्के तो खत्म हो गए थे महाराज, आपके लिए यही लेके आया हूँ। क्या उठा लाए भाई? तो विनोद कुमार जी, आपने वो बात सुनी है कि शादी से पहले आदमी बोलता है औरत सुनती है, और शादी के बाद औरत बोलती है आदमी सुनता है, और दो चार कैलेंडर छप जाने के बाद दोनों बोलते हैं पड़ोसी सुनते हैं, ये टूटता है वो टूटता है सोफा टूटता है, सबके चिपकाने के लिए मैं लाया हूँ आपके वांडेड। विनोद कुमार जी लीजिए जरा, पकड़िए इसको, बड़े वाला भी रख लीजिए अपने पास, काम आएगा जी आपको, पार्टी की तरह। अच्छा मैं उठा लीजिए, मैं चलता हूँ। बहुत बोलता है, जब बोलता है तो बोलते ही रहता। आइए वर्मा जी, शादी बहुत बहुत मुबारक है, मेरे साथ दूरदर्शन वाले हैं, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। हेलो, शादी मुबारक हो। थैंक यू। मैं रचना शर्मा हूँ, मैं दूरदर्शन से आई हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। विनोद जी, आपने शादी करने का फैसला सोच समझ कर किया है? शादी दो दिलों के बीच जिंदगी भर साथ निभाने की कसम है, शादी दो दिलों के बीच दुख सुख मिलकर बांटने का वादा है। नो डाउट, समाज की सताई हुई लड़की का हाथ थाम कर उसे मान सम्मान देकर आपने समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। मैंने विवाह किसी शरीर के साथ नहीं किया है, मैंने विवाह किया है एक पवित्र आत्मा से, और जिस शरीर के अंदर पवित्र आत्मा हो वो शरीर गंदा कैसे हो सकता है, वो शरीर तो गंगा जल की तरह पवित्र है। आपके इतने अच्छे विचार जानकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच, हमने आपका इतना कीमती वक्त लिया। ए पूजा, पूजा, ओ माय डार्लिंग, ओ माय स्वीटहार्ट, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। यू आर वेरी लकी फॉर मी पूजा। क्या मेरे आने से आपकी लॉटरी लग गई क्या? दूसरी लॉटरी? पहली लॉटरी ये बंगला, दूसी लॉटरी चार नए नॉवलों का असाइनमेंट, उनमें से एक नॉवल मुझे एक महीने के अंदर पूरा करके देना है, मुझे आज से काम शुरू करना होगा। पूजा, मैं दोपहर से तैयार होकर आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो साथ में कहीं घूमने चले जाएंगे, क्या काम कल से शुरू नहीं हो सकता? Why not darling, कल से ही शुरू करेंगे, आज की शाम तुम्हारे नाम। ओके। क्या सोच रही पूजा? सोच रही हूँ कि बीते हुए दिन और आने वाले दिन में कितनी दूरी हो गई है। पहले मैं कुदरत को नहीं मानती थी, लेकिन आप जानते हो कि कुदरत की कोई चीज है जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया है कि दिल में कुछ तमन्ना ही नहीं रही। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या अगर मैं तुमसे कुछ मांगू पूजा, तो क्या तुम इनकार कर दोगी? इनकार? मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हो गई हूँ, मेरी हर सांस पर आपका नाम लिख चुका है।
बंधन ये अगर हम मर भी जाएंगे दोबारा जन्म लेकर हम फिर दुनिया में आएंगे जन्म जन्म से कई जन्मों से हम तुम जीवन साथी जन्म जन्म से कई जन्मों से हम तुम जीवन साथी एक दूसरे में खोए रहे हम जैसे दीपक बारी टूटेंगे ना बंधन ये अगर हम मर भी जाएंगे दोबारा जन्म लेकर हम फिर दुनिया में आएंगे टूटेंगे ना बंधन ये प्रीत ने गीत रचा है टूटेंगे ना बंधन ये अगर हम मर भी जाएंगे दोबारा जन्म लेकर हम फिर दुनिया में आएंगे टूटेंगे ना बंधन ये प्यार की नई दिशाएं हमसे मिली है दिल वालों को प्यार की नई दिशाएं टूटेंगे ना बंधन ये अगर हम मर भी जाएंगे दोबारा जन्म लेकर हम फिर दुनिया में आएंगे फैमिली को भूला करो नहीं एक भिखारन से एक ही तो स्टैंडर्ड है अरे कुछ दिन पहले एक खूबसूरत सी भिखारन मेरे पास आई और कहने लगी बाबूजी एक आसानी दे दो बाबूजी फिर मैंने अठन्नी उसको दी और वो मुस्कुराई और चली गई तब से लेकर आज तक मैं रोज उसे अठन्नी देता हूँ और वो मुस्कुराती और चली जाती आज मैंने उसे एक रुपया दिया और घर के अंदर खसीस लिया फिर मैंने दरवाजे की खरीद करवाई फिर कहा फिर मैं उसे फिर वही हुआ जो हर सैड स्टोरी में होता है मैंने उसकी जीवन की कहानी सुनी कि वो भिखारन कैसे बनी और उससे कह रहा कि तुम उससे शादी करोगी वाह 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 व्हाट ए नेशनल अपलिफ्ट थैंक यू
भिखारियों की गिनती में एक और की वृद्धि। अरे अरे भाभी जान ही आइए। आपके इस मुस्कुराते चेहरे ने आकर इस घर का हुलिया बदल दिया है। अरे थैंक यू, इस घर में जो रौनक आई है, इस घर में ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान में फूल खिल गए हैं। अरे भाभी, आपके आने से पहले ये दीवारें सोलो और सैड सॉन्ग गाती थी और आज आज डुएट और हैप्पी गाने गाती हैं। अपनी औकात भूल गया था। हाँ जी, उनका घर है। हाँ, दोहा हमारा भाई ने हमको गुहा बोलता है। कोलकाता में हम फोन लिया था। हाँ, हमको अभी दोहा बोलता है। दोहा क्या करते हैं आप? हमको हम प्रोड्यूसर है, अब छोटी बनाता है, खड़े खड़े कमरे अंदर आइए ना, आइए ये बहुत अच्छा समोसा है। आप दोनों भी बिल्कुल मोस्टर बेचैन चैन, मैं बेचैन। हम दोनों विनोद जी के साथ काम करते हैं। बाबा की तो कमा तो बता है, विनोद जी बहुत बड़ा राइटर है, उसका भी तो छोटा छोटा राइटर भी है। छोटा छोटा राइटर और ये है मिसेज विनोद कुमार भाभी जी। नहीं भाभी, वही हम बोला ना, हमारा कोलकाता का अंदर भाभी को मोदी बोलता है, समझा? मोदी मोदी, अभी हम कोलकाता से आएगा ना, आपके लिए मिस्ट्री झोल लाएगा, बड़ा बड़ा मास्क लाएगा। इतना सुशील है हमारा मोदी, विनोद जी भी बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा हम सुना है, सुना आप लोग बोलता है। हम बुरा है, सुनिए हम बुरा नहीं है, हमारा हमारा जो धर्म मोदी है ना, वो पड़ा है, तुम लोग का बोली पड़ा है। उसका जो बोई है ना, क्या बोई 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 जो होता है ना, बोई बोई उसके ऊपर हम शो भी बनाएगा। नमस्कार। प्लीज टू मीट यू। ये प्रोड्यूसर है कलकत्ते से आए हैं, हम बंगला छवि बनाता है, गौतम दास से लेकर अनिल दास तक, अभी तक हम बोल बहुत छवि बनाए हैं, अभी हम मूवी छवि बनाएगा। बाय द वे, मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लिखता है ना, हमारा विनोद जी बहुत अच्छा लिखता है, हमारे सत्यनारायण सरकार हमको बोला है, आपका एक बोई है, बोई कहानी कहानी, हाँ बोई कहानी का वो है, उसका नाम एक्टर हम बोलता है वो, हाँ सिंदूर का शोभा, वो कहानी हमारा जितना फ्रेंड्स है, हमारे फैमिली में जितना लोग है ना, हमारे गुरुपत्नी पढ़ के सुबह आप लोग का बोलिए सबको पसंद आया, वो हम उसका राइट लेता है, उसका ऊपर हम हिंदी फिल्म बनाएगा। I'm sorry, Mr. Tapan. मैं फिल्म के लिए नॉवल नहीं लिखता, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी फिल्मी राइटर मेरी कहानी की कीमती थीम को तोड़ मरो का चूचू का मुरब्बा बनाते। दादा दादा, तो चूचू का मुरब्बा मुरब्बा नहीं बनाता दादा, हम छोरी बनाता है, छोरी फिल्म बनेगा, अच्छा बनेगा। मेरा मतलब है मैं एक लिटरेरी राइटर हूँ, पैसा कमाना मेरा शौक नहीं, अलबत्ता कहानी लिखना जरूर मेरा शौक है, मैं अपनी कलम की शोहरत को सातवें आसमान पर देखना चाहता हूँ, मेरी कलम फिल्मी फार्मूला नहीं लिख सकती, आई एम सॉरी। देखो बाबा, आपका ये सातवां आसमान का जो कलम है ना, हम उसको हिंदी छोड़ में लेकर आएगा, एकदम बनेगा, एकदम ऐसा उसका आई एम सॉरी मिस्टर तपन। अरे हमारी कहानी सुन के आप विनोद कुमार का सिंधु का तौबा भूल जाएंगे। जी, आप गोदबुल करेंगे,
था, आज तक विनोद कुमार के कितने नावल हिट हुए वो हम दोनों ने लिखे। लेबल उसका है, माल हमारा। ऐसा कौन सी फैक्ट्री है जिसका अंदर वो दूसरे का माल बिकता है? अरे दादा, आईडिया का ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। अरे अगर हम लोग विनोद कुमार का काम छोड़ देना तो ये आदमी दर दर का भिखारी बन जाए, कटोरा लेके हर जगह भीख मांगे। अरे ये कोई तरीका? इतने बड़े प्रोड्यूसर का कुत्ते जैसा हाल किया तो जरूर किया है विनोद कुमार है। आप लोग का जैसा हालत किया हमारा, आप देखने का हमारे चोरी कर ले। दादा जी, हमारी कहानी तो सुनो। तुम्हारा हम कहानी सुनेगा तो हम भी टालीगंज का ऊपर खड़ा हो जाएगा, कोना का ऊपर। क्या ला लेके भगवान का नाम पर आपको पैसा दो, आपको पिक्चर बनाने का। अरे दादा, अगर तुम हमारा कहानी नहीं लेगा ना तो तुम इसी तरह भी मांगेगा सड़क पे। की बोलते इमोशनल कहानी है सच्ची, पहले सिर से हड्डियों से रोना शुरू करेगी, पिक्चर के आखिर तक ये चमके रोते रहेगी और उसके बाद कोर्ट में बैठ कर थिएटर से बाहर निकले। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला भाई, बहुत अच्छा बोला। इसका ऊपर तुम्हारा कोश्ती का ऊपर हमारा फोरमुंदा का गाय सुनूंगा। पकड़ छोड़ेगा तो हम तुमको देंगे ना। क्या मैं घबराई गया, कोलकाता का आदमी है, घबराने की बात नहीं। क्या है देखो, ये हमारा सोबी का ऑफिस है, अंदर आओ। कितना अच्छा कहानी बना है भाई, वो तो अच्छा है। कोलकाता के अंदर बाढ़ आ गया, पानी पानी है, जोल है, कोश्ती जाता है, ऊपर से हवा ब्रिज है, जैसे कोश्ती है, ऊपर मोरमुंदा का गान है। तुम मोरा बंदू रे, तुम मोरा मेरा। अरे अरे दादा, जरा गान धीरे गाइए, आपकी आवाज भी फट जाएगी। अरे तू बाबा, अरे ये तो एड्रेस बंगाली में लिखा है, चलो कटोरा चल के आते हैं। अभी तक खाना भी नहीं खाया। लिखने में इतना व्यस्त हो गया था, भूख का एहसास ही नहीं हुआ। क्या, मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ? तुम्हारा एहसास कैसे नहीं हुआ? तुम तो हर पल मेरे दिल में, मेरी धड़कनों में हो। आओ चलो। चलो
भाइयों और बहनों, आज का दिन खास खुशी का दिन है। आज हमारे मशहूर नावलिस्ट मिस्टर विनोद कुमार की नई नावल अतीत का इनॉगरेशन है और इनॉगरेशन कर रही हैं मिसेज विनोद कुमार। तालियां। अब मिसेज विनोद कुमार इस नावल पर अपने ख्यालात जाहिर करेंगी। मिसेज विनोद कुमार लीजिए। हर इंसान का कोई ना कोई अतीत जरूर होता है। वह अतीत चाहे अच्छा हो या बुरा, वह इंसान पर अपना असर छोड़ता है। कुछ लोग इस अतीत से दबकर खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग अतीत को दबाकर उभरने लगते हैं और तारीख बन जाती है। मेरे पति श्री विनोद कुमार की यह नॉवल भी शायद उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत अतीत हो, जिसे उन्होंने उपन्यास का रूप देकर एक लंबा जीवन देने का प्रयास किया है। मेरी शुभकामना है कि यह नॉवल उन सभी नॉवलों से ज्यादा कामयाब साबित हो सके। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ श्री जानकीराज जी का और आप सबका भी, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। थैंक यू। आज तो तुमने कमाली कर दिया। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी अच्छी स्पीच देती हो। सारे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। इतने बड़े राइटर की बीवी होने के नाते कम से कम मुझे बोलना तो आना चाहिए। और फिर ये सब परिवर्तन आप ही की देन है। तुम अपनी हर खूबी का क्रेडिट मुझे क्यों देती हो? मैं तो समय के चक्र में फंसकर भटकती हुई एक दुनिया सी तस्वीर थी, जिसका ना कोई नाम था ना कोई चेहरा। अब क्या है मेरी जिंदगी में, जैसे कोई आईना आ गया हो जिसके अंदर मैं अपने अक्स को देखकर पहचान सकी, समझ सकी, महसूस कर सकी। चुप क्यों हो गई? कुछ और बोलो ना, आज जी कर रहा है तुम्हें सुनता ही जाऊं। अब सर आपने इसके बारे में क्या सोचा? हेलो जी, हाँ, जानकी दास पब्लिकेशन से बोल रहा हूँ जी। मैं उनका मैनेजर साहिल बोल रहा हूँ। फरमाइए। क्या विनोद कुमार का नया नॉवल अतीत नहीं मिल रहा? इस शो की फ्लॉप, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हमने पब्लिसिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो फिर विनोद कुमार जी खुद इस लेवल के राइटर हैं कि उनके नाम का लोगों को इंतजार आता है। जी हाँ, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई। हाँ जी, आप क्या किया जा सकता है जी? ठीक, ओके सर। सर विनोद कुमार के जो नावल हमने 2.5 लाख एडिशन छपाए थे, उसमें से सिर्फ 250 बिके। यू मस्ट टेक डिसीजन। डिसीजन मैं ले चुका हूं मिस्टर सागर। विनोद कुमार के डाउनफॉल की ये शुरुआत है। ये सोचकर कि उसकी नई नावल हिट हो जाएगी, हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, विनोद कुमार के साथ हमारी कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्पेशली उसकी नई नावलों के, सब कैंसिल कर दीजिए। और इस
आप जितना ज्यादा सोचेंगे उलझने उतनी बढ़ती जाएगी। आपकी एक ही नॉवल तो फ्लॉप हुई है, इसमें इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? उस एक नॉवल की वजह से मेरे सारे दूसरे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, और तुम कहती हो परेशान होने की क्या जरूरत है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय प्रेस्टिज। इस एक नॉवल के फ्लॉप हो जाने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से खोखला हो गया हूं, जैसे मेरे अंदर का राइटर मर सा गया है। ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, राइटर कभी नहीं मरता। राइटर तो अपने विचार के साथ अपनी किताबों के पन्नों पर रहती दुनिया तक जिंदा रहता है। तो मुझे कन्विंस करने की बेकार कोशिश कर रही हो। मैं गालिब और कालिदास की तरह अपने आप को मारकर अपने विचारों को जिंदगी नहीं दे सकता। शोहरत मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। गुमनामी का एक भी पल मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नाउ प्लीज गो अवे एंड लीव मी अलोन। हेलो मिस्टर विनोद कुमार, अब आपका यहां आना कैसे हुआ? जानकी दास जी, आपकी कंपनी ने आज तक मेरे कुल 6 उपन्यास प्रकाशित किए, जिसमें से 5 उपन्यास सुपरहिट साबित हुए और उससे आपने लाखों रुपए कमाए हैं। एक नॉवेल के फ्लॉप हो जाने के बाद आपने मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए, क्यों? बात यह है मिस्टर विनोद कुमार, आपकी उन 5 नावलों से जो कुछ भी हमने कमाना था, आपके एक नावल के फ्लॉप होने से सब कुछ गवा दिया। अब हम और रिस्क नहीं लेना चाहते। क्या कहा आपने? रिस्क नहीं ले सकते? शायद आप वो दिन भूल गए मिस्टर जानकी दास, जब आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए 3 महीने तक मेरे घर के चक्कर काटते रहते थे। तब आपके नाम पर फ्लॉप का लेबल नहीं चिपका था। मैं आज भी फ्लॉप नहीं हूं। ये आप नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। आपके अपने ही पढ़ने वालों ने आपकी नावल को रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ एक नावल जिससे मेरे करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद आपकी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा मिस्टर जानकी दास। ये आपका वहम है। जानकी दास पब्लिशर कभी भी किसी राइटर का मोहताज नहीं रहा। जानकी दास ने राइटर क्रिएट किए हैं, पैदा किए हैं। अब चूंकि आप अकेले रह गए हैं और आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आयद हो गई है, इसलिए मैं अपनी मर्जी के मुताबिक आपको एक ऑफर दे सकता हूं। जब भी आपकी माली हालत बिगड़ जाए, मैं आपको अपने पेपर में एक कॉलम लिखने का काम दे सकता हूं। मिस्टर जानकी दास, तुमने सुना नहीं, प्लीज गो अवे। एक बात बताइए, जिस आदमी ने मुझे हंसना सिखाया उसे मैं उदास कैसे देख सकती हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका दुख पड़ना मेरा धर्म है। मेरा हुक्म मानना भी तुम्हारा धर्म है। आप समझते क्यों नहीं, अकेले पल से आपका टेंशन खत्म नहीं हो जाएगा, आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। देखिए, कुछ देर के लिए दुनिया की सारी उलझनों से दूर होकर मेरी बाहों में आ जाइए, अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं आपके अंदर की सारी घुटन अपने अंदर भर लूंगी, मुझे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। बंद करो अपनी बकवास और यहाँ से दफा हो जाओ। जिंदगी की उतार चढ़ाव में औरत के बाजू थाम कर संभलने वाले को मर्द नहीं कहते। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भूल मुझसे हुई, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपने नाम को रौन कर मैं चाहत की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गया। इसलिए वक्त ने ऐसा धक्का दिया, सीधा फलक से जमीन पर आ गिरा।
अब गिरा हूं तो संभल भी खुद ही जाऊंगा। ला थोड़े बर्फ डाल, तेरे को भी और चाहिए क्या? ले ले यार तू भी। विनोद बाबू आपको भी विनोद बाबू आपको भी चाहिए क्या? यार विनोद कहना तो नहीं चाहिए पर तू मेरा दोस्त है ना इसलिए कहना पड़ रहा है। तेरी बीवी तेरे लिए अनलक्की साबित हुई, समझा क्या? तूने भी तो हद कर दी, तेरे एक इशारे पर बड़े बड़े घरानों की लड़कियां तेरे लिए लाइन लगा देती। और तूने शादी भी की तो एक कारगर से। कुमार जी कहते हैं बहू घर में लक्ष्मी लेकर आते है, मगर महाराज ये तो तुम्हारा डाउनफॉल लेकर आया। डाउनफॉल जब से इसके घर में कदम घर में पड़े हैं बुरा नहीं मानना, जैसे अपन तेरे दोस्त है ना इसलिए बुलाया है ना, उसको एकदम फ्लॉप हो गया। आपने शराब पी है? हाँ मैंने शराब पी है। तुम्हें कोई एतराज है? मुझे एतराज हुआ भी तो मैं कर क्या सकती हूँ? अलबत्ता जानकर ये दुख होगा कि आप बाहर से जितने मजबूत हैं अंदर से उतने ही कमजोर। कमजोर हो नहीं, कमजोर हो गया था क्योंकि तुम मेरी कमजोरी बन गई थी, मगर आज मैं अपनी वीकनेस पर हावी हो गया हूँ। शराब जिस आदमी की वीकनेस बन जाती है वो किसी पे क्या हावी हो पाएगा? देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो शराब जिसे आप गम की दवा समझकर पी रहे हैं आपको अंदर ही अंदर खोखला बना देगी, आप खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाने दो मुझे, वैसे भी तो खत्म हो गया हूँ। एक पत्नी के लिए उसकी सबसे कीमती चीज, सबसे प्यारी चीज उसका सुहाग होता है। मैं अपने सुहाग को लूटता कैसे देख सकती हूँ? तुम्हारे मुंह से सुहाग शब्द का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता। ये मत भूलो कि मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें गटर से निकालकर अपनी जिंदगी का हिस्सेदार बनाया। अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं, तो आज भी तुम कागज के चंद टुकड़ों पर अपने जिस्म का सौदा करने वाली वैश्या कहलाओगी। आप ये गाली दे सकते हैं क्योंकि आपको ये गाली देने का अधिकार है। अगर ये बात किसी और मर्द ने कही होती तो मैं उसे जरूर जवाब देती। कागज के चंद टुकड़ों पर अपने जिस्म बेचने वाली वेश्याओं का भी अपने एक असूल होता है कि अगर वो किसी को भगवान मान लेती है तो जीवन भर उसकी पूजा करती है, लेकिन मर्द अगर दिन रात मंदिर में भी राम की माला जपता हुआ भी नजर आए तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो जात है कि जिस माँ के कोख से वो जन्म लेता है अगर मौका मिले तो अपनी माँ को भी बाजार में बेच डालता है। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट आउट, आई से गेट आउट। Oh, my God.
पैगाम दिल हर किसी को सुना दो, न कोई किसी को कभी आसरा दो, गिरा दो
करके गिरा दो। कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे नसीब में जितनी खुशी, जितना प्यार लिखा था, वो मुझे मिल गया। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते रहें। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, इस वादे के साथ कि आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। आगे की जिंदगी मैं आपके दिए हुए प्यार और आपके साथ बिताए हुए दिनों की यादों के सहारे गुजार लूंगी। कल रात मेरे मुंह से जो कड़वे शब्द निकले थे, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। घर छोड़कर नहीं जाओगी। देखिए, आप मुझे जाने दीजिए। मेरा और आपका संबंध अब हम दोनों के लिए रोग बन चुका है, इसीलिए इसे तोड़ देने में हम दोनों की भलाई है। तुम्हारी भलाई हो सकती है, मेरी नहीं। मैं इसे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है, मैं सारी दुनिया को उसका गवाह बना चुका हूं। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा? तुम क्यों, कैसे चली गई? अगर ये बात है तो मैं आपको इस मजबूरी से छुटकारा दिला सकती हूँ। मैं आत्महत्या कर लूंगी। पागलपन की बातें मत करो। आत्महत्या करके तुम अपने खून से मेरा दामन रंगना चाहती हो? आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ, और आपकी खुशी के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ। अगर तुम मेरी खुशी ही चाहती हो तो प्लीज यहाँ से जाने का ख्याल छोड़ दो। तुम चली जाओगी तो मैं जिल्लत और बदनामी के दलदल में फंस कर रह जाऊंगा। कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दुम ले ले दादा, दुम ले ले दादा। अरे दुम ले जा, किए दो दम आए, किए दो लिखा आए, लिखा आए, उसको जल्दी भेज करो। एक मिनट सर, हाँ बोला तो लेकर पैदा करेगा इधर से, रेडीमेड कैसा आ गया है? बोला है, बुरा है ना, बुरा भी है। बेटो बेटो, ओए दो ले ले गोरी बोल आदा। नमस्कार 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 नमस्कार। है जी, वो आपने बुलाया है ना? हाँ, तुमको कहा को बुलाया था? कहानी सुनाने के लिए। हाँ, को कहानी सुनाएगा? अरे दादा, वो हावड़ा ब्रिज, उसके नीचे नदी, नदी में कश्ती, कश्ती में वो बरमंदा का गांव है। सुनो मेरा बात, ठीक है सुनिए, अगर आपको वो कहानी नहीं चाहिए तो हम चले जाते हैं। बैठो,
देखिए हम पीता तो सिर्फ रम है, अभी पूरा ड्रम। हाँ बिल्कुल, और खाने के लिए कोई खास नहीं, चिकन मटन और कुछ ब्रेड पटाटा वड़ा। तुम लोग का हमको कहानी सुनाने का वास्ता आया है कि होटल के अंदर आर्डर देने को आया। नहीं कहानी कहानी कहानी, इसको भूख बहुत लगता है। ये देखो हम लोग का भूखा लोग का काम नहीं है, नहीं पैसा लोग का काम है। देखो अरे जिंदू दादा, अरे देखो दूध तो चाय लेकर पानी मार के, दूध वाली मलाई मार के। हर बात का तुम लोग कुछ ना कुछ डालता है, रावट होगा ना गले में मजा आता है। जैसा बोलता वैसा लेकर आ जाए। अभी आपको कहानी सुनाता है। क्या हुआ? कहानी सुनने का हमारा एक स्टाइल है। कौन सा? वो हम कोलकाता से सीख के आया था। क्या है अभी तुम लोग उठाओ, उधर योगा देखता है, उधर बैठेगा, ये झुकेगा, तुम्हारा कहानी सुनेगा। दादा ये आपकी सिगरेट। दादा अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। दादा ये आजादी से पहले की कहानी है। शिमला की पहाड़ियों में एक सुनसान जगह पर डाक बंगला है, और उस डाक बंगले में जब भी कोई जाता है वापस लौट कर नहीं आता। उसी शहर के एक सुनसान प्लेटफार्म पर एक रात को एक नव दंपति हनीमून मनाने के लिए नीचे उतर गए। अच्छा, स्टेशन से बाहर आते हैं, चारों तरफ सन्नाटा। अरे गिरे हनीमून मनाने के लिए एकदम सन्नाटे में काय को आता है? हाँ दादा, इतने में उन्हें आवाज आती है। ये क्या है? घोड़ा गाड़ी। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। ये खड्डा क्या है? खड्डा। अच्छा, रोड खड्डा है। और वो घोड़ा गाड़ी करके हीरो हीरोइन के पास खड़ी होती है, और घोड़ा गाड़ी चलाने वाला पूछता है कहाँ जाएंगे। हीरो कहता है डाक बंगला, और वो कहता है आइए बैठिए। और उसके बाद घोड़ा गाड़ी चली जाती है। बादल गरजे, बिजली करकी, और घोड़ा गाड़ी टक टिक टक टक टिक टक टिक करती हुई डाक बंगले के बाहर आ गई। और हीरो हीरोइन नीचे उतरे। अरे बाबा, जैसे हाल मुड़ कर देखते घोड़ा गाड़ी चला गया, और हीरो हीरोइन चलते हुए मेन गेट की तरफ आते, डाक बंगले के दरवाजे को खटखटाते, और सडनली दरवाजा खुलना चाहिए। पूरा खुल गया दरवाजा, पूरा खुल गया, और सामने लाल टेन देकर चौकीदार पूछता है कि अरे बाबा रे। हीरो ने बोला कि हम यहाँ पर रात बिताना चाहते हैं, और चौकीदार ने बोला तो अंदर चले आइए। जैसे ही हीरो हीरोइन ने अंदर कदम रखा, काली बिल्ली काली बिल्ली करती आगे से भाग गई। लड़के चमगादड़ उसके पास से गुजर गया, और हीरो हीरोइन धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही ऊपर दरवाजे पर पहुंचे और हीरो ने बढ़कर दरवाजा खोला, तो सामने क्या देखता है? एक हड्डियों का ढांचा उसको देख के जोर-जोर से हंसने लगा। आपको हमारी कहानी तो पसंद आए, डन हो जाएगा। हमको नहीं मंगता है,
कहानी हमको दुरान जी हमारा साला हाथ पैर हो जाएगा, पब्लिक दे जाएगा, पब्लिक का हाथ पैर हो जाएगा। हम उस दिन बोल के आया था ना, विनोद जी को बोला है हम राइटर पैदा करेगा, हम पैदा नहीं करेगा, हम पैदा हो गया है, बहुत लेट हो गया है। देखो धीरे देखो इधर, तुम शहर में अभी आता है, किधर जाता है? जाता नहीं रे, तुम टाइम में अभी आता है। लेकिन जाता किधर है तुम? अरे हम नहीं जाता है, हमारा चौबी का टाइटल है, टाइटल तुम टाइम में अभी आता है। इसको डायरेक्ट कौन करेगा? हम खुद करेगा। और इसमें हीरो कौन करेगा? हम खुद करेगा। इसे देखेगा कौन? ये खुद देखेगा। अरे अरे वो चौबी का गान है ना, वो भी हम देगा खुद। आज का दिन तो बहुत ही घटिया निकला एकदम। पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देखी थी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सुबह सुबह तुमने शीशा देखा था। करेक्ट, शीशा ही देखा था। अरे भाभी आदाब। नमस्ते भाभी, आप यहाँ? घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई। वो घर है ही बड़ा बोरियत। आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने घराना जना क्यों बंद कर दिया? दरअसल भाभी बात ये है कि विनोद जी आजकल काम धंधा ज्यादा नहीं चल रहा, इसलिए दो दो असिस्टेंट्स का अफोर्ड, मेरा मतलब उनको जरूरत नहीं दो दो असिस्टेंट की, इसलिए हम लोग ने आना बंद कर दिया। मतलब ये कि काम के बगैर आप हमसे मुलाकात करने नहीं आ सकते? वाह भाभी, आप तो बहुत हाजिर जवाब होगी, लगता है विनोद जी का काफी असर तुम पर हो गया। भाभी अब तक जो हो गया उसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा हम दोनों आपसे मिलने जरूर आएंगे। मैं भी आऊंगा, मैंने दोनों बोल दिया है। भाभी विनोद जी कहाँ आजकल, किसी नए सब्जेक्ट पर माथा फोड़, मेरा मतलब काम कर रहे हैं नहीं? क्या बताऊँ, आजकल तो उनकी दुनिया ही बदल गई है। दुनिया ही बदल गई है? क्या मतलब, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मेरा मतलब ये कि उनके नॉवेल फ्लॉप होने की वजह से काफी परेशान से रहते हैं वो। भाभी ये परेशानी उनकी खुद की खरीदी हुई। नावल पब्लिश होने से पहले मैंने उन्हें हजार बार समझाया था कि आप कल्पनाओं के आसमान से नीचे उतर आए। आजकल लोगों को रियलिस्टिक चीजें, जो मेरा मतलब है जीवन के करीब की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। भाभी आप तो उनकी पत्नी, आप उन्हें समझाइए ना कि अपने लिखने का स्टाइल बदल दें, अपने लिखने का तरीका बदल दें और जरा हकीकत के करीब आए। अच्छा मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप विनोद कुमार जी की पत्नी है ना? जी हाँ, मैं विनोद कुमार की पत्नी हूँ। वो अखबार में मैंने विनोद कुमार के साथ आपकी तस्वीर देखी थी, आपके पति मुझे जानते हैं? लेकिन मैं आपको जानती हूँ मिस्टर अरुण पंडित। अरे आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं? दो साल पहले आप MLA के चुनाव में खड़े थे और हार गए। एब्सोल्युटली राइट। इसके अलावा भी मैं आपके बारे में और बहुत कुछ जानती हूँ। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट लेडी है, आप किधर जा रही हैं? चलिए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। जी आइए। शुक्रिया। मैं आपकी सारी बातें समझ गया पूजा जी, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं गिव एंड टेक की थ्योरी पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। यानी सौदा? सौदा नहीं, दोस्ती। मैं आपको फ्रेंडली ट्रीट करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये दोस्ती मंजूर है। हेलो, तुम्हें पता है घड़ी में क्या बजा है? घड़ी की सुइयों की रफ्तार के साथ चलना मैंने बंद कर दिया है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, ये बिखरे हुए बाल, ये कपड़ों की सिलवटें, ये होठों की बिगड़ी हुई लाली तुम्हारे बीते हुए लम्हों की सारी कहानी सुना रहे हैं। शायद होटल का कमरा छोड़ते वक्त तुम आईना देखना भूल गई।
मैंने अब रहा कहाँ, जिसमें मैं अपना चेहरा देखा करती थी वो आईना तो टूट गया। लेकिन इस टूटे हुए आईने में अब भी तुम्हारा चेहरा इतना गंदा नजर आ रहा है कि इन आंखों को उसकी तरफ देखते हुए शर्म आ रही है। या कुछ कहने का कोई हक नहीं? अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ बुरा भला कह भी दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। पूजा, आई लव यू पूजा, मुझे माफ कर दो। माफी मांगकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। अगर आप नफरत भी करेंगे तो भी मेरे दिल से आपका नाम थोड़ी मिट सकता है। नफरत नहीं पूजा, तुम्हें मुझसे हमेशा मोहब्बत मिलेगी। आ चले। कहाँ? मुझे तुम्हारे बारे में मुझे नींद नहीं आती। कल कैसे नींद आ गई थी? मैं कल रात भी सो नहीं सका। क्यों? तमाचा तो मैंने तुम्हारे गाल पर मारा लेकिन उसका दर्द रात भर मैं अपने सीने में महसूस करता रहा। तो फिर कल आकर मुझे ले क्यों नहीं गए? चाह तो बहुत था पूजा कि आकर तुम्हें ले जाऊं और अपने सीने से लगा लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं सो कब रही थी? मैं तो इस इंतजार में रात भर जागती रही कि आप कब आएंगे और मुझे यहां से ले जाएंगे। सच? आपकी कसम पूजा। कहाँ जा रही हो? कुछ दोस्तों से मिलने। दोस्तों से मिलने या ग्राहकों से? अगर मैं ग्राहकों से मिलूं तो भी आपके साथ पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी नजर में आज भी मैं वही हूँ जो कल थी। अब तो हमारे रास्ते भी अलग अलग हो चुके हैं। गजानन भाई, कुछ दिन पहले हमने सुना था कि साइंटिफिक आईडिया से कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है। अरे यार, क्यों फेंकता रहता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता यार। फर्ज करो, ऐसा कभी हो भी जाए तो ये राइटर की बीवी क्या रोज नए नए बकरे फंसाती फिरेगी? ठीक कहते हो भाई। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। आइए। आइए 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 बैठिए। आप लोग बैठिए जब तक मैं। अरे भाई, बैठने से पहले मैं इनका परिचय तो करा दूं। ये हैं प्रोफेसर खुराना और ये हैं हमारी बेस्ट फ्रेंड पूजा। नाइस टू सी यू। सेम टू यू। मिस्टर पंडित ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। और ये हैं हमारे नए समाज के एडिटर मिस्टर श्रीवास्तव। ओ हेलो, ग्लैड टू सी यू। नाइस मीटिंग यू। जरा आप लोग दो मिनट की तनहाई बर्दाश्त कीजिए जब तक मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर लेके आती हूँ। अरे भाई, तनहाई के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। आप लोग बैठिए। आइए बैठिए। अरे साहब, मान गए, आपके दोस्त बहुत अच्छी हैं। लीजिए चाय। ओहो, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। थैंक्स। उम्मीद है आप लोगों को मेरी चाय पसंद आई होगी। वाह क्या बात है, आपके हाथों की बनी चाय का कमाल है। काश मेरी भी पत्नी ऐसी चाय बना पाती।
आप दिल छोटा मत कीजिए मिस्टर खुराना, आप अपनी पत्नी को ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उन्हें एक घंटे में ऐसी चाय बनाना सिखाऊंगी। लगता है आप मुझे सीधा नर्क में भेजने का उपाय कर रही हैं। अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो मुझे एकदम बेडरूम से आउट कर देंगी। अरे साहब मैं क्या, हर इज्जतदार पति अपनी पत्नी से डरता है। क्यों साहब, आप नहीं डरते क्या? अरे श्रीवास्तव जी को बीच में क्यों घसीट रहे हो, ये तो बेचारे बिल्कुल सीधे साधे आदमी लगते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, श्रीवास्तव जी वाकई बिल्कुल सीधे आदमी है, एकदम जलेबी की तरह। क्यों? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई मैं पूजा जी का दोस्त अरुण पंडित बोल रहा हूँ, आपको किससे बात करनी है? पूजा जी से? पूजा जी आपका फोन। हेलो। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी कौन सी ऐसी उल्टी सीधी बात हो गई कि फोन इतने जोर से पटक दिया? गलती से फोन किसी वैश्य की कोठी पर लग गया था। और आदमी रोज नए नए आदमी लेकर आता है रात में। गजानन भाई, लगता है मियां बीवी दोनों ने मिलकर धंधा शुरू कर दिया। हाँ, अगर इन लोगों कुछ बोला नहीं गया तो सोसाइटी बदनाम हो जाएगी। हाँ। चलो हाँ। सोसाइटी को बदनाम होने के लिए कुछ करना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चलो चलते हैं। किसको खबर यार, डॉक्टर कुएं पहुंचा दे अंदर। किसको यकीन था ऐसे भी दिन आएंगे। आए मत छुओ मुझे, तुम्हारे जिस्म से पाप की बदबू आ रही है। आई से डोंट टच मी, डोंट टच, मिस्टर विनोद कुमार? यस ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन। तो आप ही वो विनोद कुमार हैं? मैं वो विनोद कुमार नहीं, मैं लेखक विनोद कुमार। जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता था कि समय के उतार चढ़ाव के बीच दबकर एक लेखक का जमीर मर भी सकता है। सुनिए इंस्पेक्टर, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता ही नहीं, समझता हूं, और इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिस्टर विनोद, मुझे कंप्लेंट मिली है कि आपके इस बंगले में धंधा होता है। मिस्टर विनोद कुमार, आप एक रिस्पेक्टफुल आदमी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी कंप्लेंट दोबारा मुझ तक ना पहुंचे। आप अपनी बीवी को समझा दीजिए।
लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। आज तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे माथे पर यह भी लिखवा दिया कि तुम अपनी बीवी के दलाल, तुम अपनी बीवी की कमाई पर जिंदा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं इतना बुजदिल नहीं हूं कि खुदकुशी कर लूं, मगर अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी जिल्लत और बदनामी भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मैं अपनी बदकार पत्नी का खून कर दूंगा। ये अच्छा मौका है, आज रात ही इसका काम तमाम कर दूंगा। और इस तरह मैंने अपनी बीवी का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप बैठिए। What nonsense is this? मैं तो अच्छी खासी जीती जाती हूँ और फिर मेरे कत्ले के जुर्म में मेरे पति को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है? मिसेस विनोद कुमार, शायद आपने अखबार ठीक से नहीं पढ़ा। आपके पति को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है। फिर ऐसा लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से वो कुछ बीमार भी थे। प्लीज लीव हिम। ओके। हवलदार जी साहब, विनोद कुमार को बाहर ले आओ। आप यहां साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं बाद में कर लूंगा। थैंक यू। पूजा, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम जिंदा कैसे हुई? तुम पूजा नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, ये पूजा नहीं हो सकती। मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। पूजा, मिसेस पूजा, आपके पति की दिमागी हालत सचमुच ठीक नहीं है। आप इन्हें जल्दी से किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। यू आर राइट इंस्पेक्टर, आइए घर चलिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, आपको याद है ना? मैं बीते हुए दिनों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। बीते हुए दिनों को भूलना इतना आसान नहीं, क्योंकि बीते हुए दिन और आने वाले दिन में कितना गहरा रिश्ता होता है। सुनिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें प्यार से? क्या सोच रहे हो, मैंने कितनी रातें तुम्हारे बगैर गुजारी है। आप ऊपर चलिए, जब तक मैं बन सवर कर आती हूँ।
अब तो इंस्पेक्टर भी इस बात को सच नहीं मानेगा कि मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया। मेरा वेल कंसीव्ड आइडिया कामयाब रहा। अब क्या हुआ? मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया। मिस्टर विनोद, यू नो इट्स पुलिस स्टेशन, प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। हवलदार साहब, इस आदमी को धक्के देकर बाहर कर दो। चलिए। इंस्पेक्टर परेरा, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है सर ये पागल हो गया। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम अरुण पंडित है। प्लीज टू मीट यू। आई थैंक यू। आइए बैठिए। पूजा जी हैं? वो तो नहीं है। पूजा जी आ जाएं तो ये आप उन्हें दे दीजिएगा। क्या? ये क्या है? ये उपन्यास है। ये प्रोफेसर खुराना और पत्रकार श्रीवास्तव जी की मदद से आपकी पत्नी ने लिखा है और पब्लिश आपके नाम से कराया है। उन्होंने हमसे कह रखा था कि जब तक ये उपन्यास पब्लिश ना हो जाए ये राज राज ही रहे। और हाँ, आपके लिए एक और खुशखबरी है विनोद कुमार जी, ये नॉवल इस साल नेशनल अवार्ड के लिए चुनी गई है। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं विनोद कुमार जी। नमस्ते। और विनोद कुमार जी, गुमनामी की जिंदगी से निकालकर शोहरत की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचाने के लिए आपकी पत्नी ने जो कुर्बानी दी है वो वाकई बेमिसाल है। ऑल द बेस्ट।
मैं पत्थर थी, रास्ते का पत्थर, जमाने के ठोकरों के बीच जीना मेरा नसीब था। मगर किसी ने ठीक कहा है कि कभी कभी रास्ते का पत्थर भी किसी की ठोकर से किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे पूजा के लायक समझा जाता है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया। विनोद ने मुझे रास्ते से उठाकर अपने घर के मंदिर में सजा दिया और मैं विनोद की पूजा बन गई। विनोद ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मोहब्बत जब इंतहा तक पहुंचती है तो नफरत में बदल जाती है। वह नफरत इतनी बढ़ गई कि विनोद ने मुझे अपने दिल से निकाल फेंका और आज मैं फिर रास्ते पर आ गई। आज मैं फिर रास्ते पर पड़ी हूँ पत्थर की तरह। मगर अब किसी मंदिर में जाने की ख्वाहिश नहीं रही,